हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के सुपर मॉडल पेपर 2021 से 22 के लिए। और ये पेपर नंबर थर्ड है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, यानी कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो है पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी हूँ फर्स्ट पेपर का। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी के पेपर भी अवेलेबल करवा चुकी हूँ, हिंदी इंग्लिश और भी किसी सब्जेक्ट का। आपको सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डीएवीवी, बीयू या अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी भी है, तब भी ये सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है क्योंकि सिलेबस सभी जगह का लगभग सेम है और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूंकि कोरोना के कारण 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाई है और अभी इस ईयर में एग्जाम होने के 100% चांसेस है, तो आप अगर ये पेपर करके जाते हैं तो आप ये मान के चलिए आप फर्स्ट डिवीजन बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनम जैन और सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, ओनली 5 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ। अगर आप यही क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत लिखिए, या फिर इसको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन का चक्रण समझाइए, रासायनिक विस्थापन पर टिप्पणी लिखिए, एथेनॉल के एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, स्पिन स्पिन युग्मन को समझाइए, पीएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को समझाइए। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखा आपने फर्स्ट यूनिट में कितने कम क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये करते तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आता है आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कि इसका फर्स्ट और हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना लिखिए, कार्बोलिथियम बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, उपयोगों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9, थायोल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मरकैप्टन कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए, सल्फा ड्रग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कार्बोलिथियम यौगिक की संरचना समझाइए, बहुलक क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, नायलॉन टेरेलिन प्राकृतिक बहुलक, रबर को वल्कनीकृत किस प्रकार किया जाता है। अब आ जाती है यूनिट नंबर 3। चूंकि यूनिट नंबर 3 काफी बड़ी है, फिर भी हमने आपको बहुत ही कम और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, केवल और केवल आप इतने करने पर बहुत बेनिफिट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए, ग्लूकोज के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए, ग्लूकोज से मैनोस कैसे प्राप्त करेंगे, परिवर्तित ध्रुवण गुण क्या है, संक्षिप्त में लिखिए, किलियानी संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज की पायरनोज संरचना समझाइए, ओसाजोजोन निर्माण की क्रियाविधि लिखिए, अपचायक एवं अनअपचायक शर्करा किसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पॉलीसैकेराइड, ग्लिसराइड, साबुन, आयोडनी मान और साबुनीकरण मान, इनमें से भी एक टिप्पणी आना निश्चित है, इसलिए इनको बिल्कुल भी ना छोड़े। नेक्स्ट, तेल व वसा क्या होते हैं, तेल व वसा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 4। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ ही साथ में अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगती तो डिसलाइक करें, और एग्जाम होने के बाद में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, कितने नंबर के क्वेश्चन आपको इस पेपर में से मिल पाए हैं, और अदर सब्जेक्ट के भी पेपर अवेलेबल है तो आप वो भी मुझे बताना ना भूले।
और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम यूनिट नंबर फोर्थ को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का नाम है अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। आपने देखा ना यूनिट काफी बड़ी है, फिर भी हमने आपको बहुत ही कम और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। विभिन्न अमीनो अम्ल पर ऊष्मा के क्या प्रभाव होता है स्पष्ट करो। एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एमिनो अम्ल की संरचना सूत्र लिखिए। और एमिनो अम्ल पर जो ताप का प्रभाव है वो भी पूछा ही जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ना छोड़ें। अति आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या है, टिप्पणी लिखिए। अति आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या है, टिप्पणी लिखिए। ज्विटर आयन पर टिप्पणी लिखिए। एमिनो अम्ल की वे रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए जो उनके क्षारीय स्वभाव को दर्शाती है, मतलब वो रिएक्शन देना जहां पर सिद्ध होता है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी का है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 33। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड आबंध, प्रोटीन का वर्गीकरण, आरएनए व डीएनए, न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए। पॉलीपेप्टाइड में एन टर्मिनल अवशेष विश्लेषण तथा सी टर्मिनल अवशेष विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है समझाइए, विस्तृत में लिखिए इस टाइप से। तो देखा आपने यूनिट बहुत लेंथी, पर हमने बहुत ही कम क्वेश्चन आपको दिए, सिर्फ और सिर्फ आप यही क्वेश्चन कर ले, क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं की हो, अगर कर भी ली हो तब भी क्वेश्चन करें, नहीं की हो तो ये क्वेश्चन जरूर कर ले। नेक्स्ट आता आपका सिंथेटिक डाइस, इसमें तो और ही बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं। क्रोमोफोर व आइसोक्रोम समूह क्या होते हैं, रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मेथिल ऑरेंज, इंडिको, मेलनकाइट ग्रीन, वुडवर्ड व हाफमेनियम, कांगो रेड। इनमें से भी दो टिप्पणी आना लगभग लगभग निश्चित है, तो इसलिए इसको भी जरूर कीजिएगा। पैरासाइक्लिक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो गाइस आपने देखा कितने कम क्वेश्चन दिए हैं, अगर यही क्वेश्चन आप करके एग्जाम में जाते हैं तो 101% आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, बिल्कुल गारंटी है। और अदर सब्जेक्ट के पेपर भी अवेलेबल किए हुए हैं तो आप उनको भी देखना ना भूले, बॉटनी, जूलॉजी। अगर आप मैथमेटिक्स के तो फिजिक्स और जो मैथ्स का पेपर भी एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप वो भी देखना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।